as a wedding. Thank you, Bohol. Thank you, Anthony. सब बैठ जाओ, सब बैठ जाओ, सब बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। अंकुलानो नरक नो खुलुम मास कांगे अफारो। जो लोग लीडर्स यहाँ में आए हैं, आप लोग इतना कष्ट करके त्रिपुरा से दिल्ली आए हैं, मैं सबको बोलना चाहता हूँ, लामसोगो टू दिल्ली। जंतर मंतर में, पूरा इंडिया में, जंतर मंतर में इतना बड़ा प्रोटेस्ट पिपरासा बुकुंग बरा को छोड़ के आज हिंदुस्तान में कोई नहीं कर सकता है, सिर्फ हम लोग कर सकते हैं। मैं आज बात नहीं करूंगा, मुझे कल बात करना है, आप सब से बात करना है, मीडिया से बात करना है, नेशनल मीडिया से बात करना है, लेकिन आज प्रोग्राम शुरू हो रहा है इसके लिए मैं थोड़ा सा दो तीन बात आपको कहना चाहता हूं। यहां में हम लोग दिल्ली आए हैं दिल्ली को बताने के लिए कि एक राज्य है जिसका नाम है त्रिपुरा। उस त्रिपुरा ने हिंदुस्तान को बहुत कुछ दिया है, लेकिन हानिबुसा जो भूमि पुत्र है, आज हम अपना अधिकार के लिए, अपना राइट्स के लिए, अपना सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस के लिए फाइट कर रहे हैं, किसी कम्युनिटी के खिलाफ फाइट नहीं कर रहे हैं, अपना कम्युनिटी को आगे बढ़ाने के लिए, अपना भविष्य के लिए फाइट कर रहे हैं। तो बहुत लोगों को लगता है कि नॉर्थ ईस्ट से जो भी कोई आता है दिल्ली, तो वो शायद उग्रपंथी होगा, वो देशद्रोही होगा, वो देश के खिलाफ होगा। नहीं, पिपरासा हिंदुस्तान का देश प्रेमी है, हम लोग अपने देश को प्यार करते हैं और हम चाहते हैं कि दिल्ली में जो भी सरकार हो, आज बीजेपी का है, कल कांग्रेस का था, परसों कोई और भी हो, आपको पिपरासा के बारे सोचना पड़ेगा, हमारा भविष्य के बारे आपको सोचना पड़ेगा। मेरे बाद बहुत स्पीकर्स लोग बात करेंगे, मैं कल फिर से आपसे लास्ट में बात करूंगा, उस समय मैं एक अच्छा लंबा से आपको एक भाषण दूंगा, लेकिन आज सबसे पहले प्रोग्राम शुरू होने से पहले मैं सबको दो बात बोलना चाहता हूं कि पिपरा मोथा पिपरा सा पिपरा दोफा, मर जाएगा लेकिन कॉम्प्रोमाइज अपने पिपरासा के साथ नहीं करेगा। आज से एक साल पहले जब हम लोग आए थे दिल्ली, तो सब लोग ने बोला था, अरे पिपरा मोथा तो इलेक्शन के पहले अलायंस करके पिपरा लैंड का डिमांड और नहीं करेगा, लेकिन इलेक्शन के लिए सिर्फ 2 महीना बाकी है और आज हम लोग फिर से दिल्ली में आए हैं ग्रेटर त्रिपुरा लैंड डिमांड करने के लिए। तो जिस लोग ने बोला था कि हम लोग अलायंस करेंगे त्रिपुरा लैंड को, हम लोग कॉम्प्रोमाइज कर देंगे, आज मैं उनको बोलना चाहता हूं, उनसे सवाल पूछना चाहता हूं कि एक साल से ऊपर हो गया है, हमने ना किसी से अलायंस किया है, हमने ना किसी से बात किया है और इलेक्शन 2 महीना बाकी है। अगर आपने हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड राइटिंग में नहीं दिया, तो मैं आप सबको बोलना चाहता हूं, आपको जो भी लिखना है न्यूज़पेपर में लिख लो, लेकिन प्रद्योत माणिक्य पिपरा मोथा पिपरासा, आप अपना पिपरासा को बेवकूफ बनाकर अपना राजनीति सस्ता राजनीति नहीं करेगा। 70 साल से हम लोग नीचे रहे हैं, 70 साल से हमको नीचे रखा गया है, हमारे गांव में आज पानी का प्रॉब्लम है, रास्ता का प्रॉब्लम है, स्कूल का प्रॉब्लम है, नौकरी नहीं मिलता है। आज अगर पिपरासा को कुछ करना है बाहर जाना पड़ता है। आज हम अपने ही जमीन में, अपने ही हां में, अपने ही राज्य में आज हम लोग भिखारी बन के रहे हैं, लेकिन पिपरासा लोग, आप लोग
अगर अपना थनसा रखता है, अगर आप लोग एकता रखता है, अगर आप लोग यूनिटी रखता है, तो मैं आपको बोल रहा हूं कि आने वाले 2 महीने के अंदर पूरा इंडिया, दिल्ली, आप हमारा बात सुन लो, न्यू दिल्ली कैपिटल राजधानी, आप मेरा बात लिख के सुन लो, राइटिंग में सुन लो, इस बार टिपरा सा लोग अपना जवाब देगा और ये जवाब पूरा इंडिया सुनेगा। आप लोग रेडी है कि नहीं? रेडी है कि नहीं? अगर आप लोग रेडी है, आपका थंसा है, तो हमको कुछ नहीं चाहिए। लाओ अपना सबसे बड़ा हथियार को लेके आओ। क्या है उनके पास? उनके पास पैसा है, मेरे पास थंसा है, उनके पास पैसा है, हमारे पास थंसा है। इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूं, कल मैं फिर से बात करूंगा, अब बहुत सीनियर लीडर्स लोग बात करेंगे, मैं आपको सबको निवेदन करता हूं, डिसिप्लिन रखो। सब लोग तिप्रसा को देख रहा है, सब लोग हमको देख रहा है, और सब लोग को जानना भी चाहिए कि हम लोग का डिसिप्लिन है। हम लोग नॉर्थ ईस्ट से आया है, त्रिपुरा से आया है, बुकुंगबारा है, हिम्मत है, गरीब है, लेकिन ताकत आज भी हमारे अंदर है। कल मैं इसी मन से अपना डिमांड रखूंगा, हम लोग अपना मेमोरेंडम भेजेंगे, किसी नेता से नहीं मिलेंगे जब तक नेता राइटिंग में हमको लिख के नहीं देता है कि वो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड के बारे, कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन के बारे हमारे संग बात करे। जब तक वो लोग हमको लिख के नहीं देता है, हम किसी से नहीं मिलेंगे, ना कांग्रेस से, ना सीपीएम से, ना बीजेपी से, ना तृणमूल से। हम लोग अकेला अपना बलबूते में तैयार है, वी आर रेडी। अब हमारा नहीं है ये फाइट, नहीं है ये जो फाइट है ना, ये आपका घर में, आपका कामी में, आपका बच्चा के लिए फाइट है, आपका भविष्य का फाइट है। ये फाइट कोई नेता को मंत्री बनाने के लिए नहीं है, ये फाइट लाल बत्ती के लिए नहीं है, ये फाइट है। और जब तक बुबाग्रा आपके साथ है और आपका प्यार बुबाग्रा के साथ है, बुबाग्रा को कोई हिला नहीं सकता, तिपरासा को कोई हरा नहीं सकता। बेरा बेरा जो हम भाई